सो गाइज वेलकम नए वीडियो पे। इस वीडियो में बताएंगे मोबाइल होल्डर के बारे में, मोबाइल होल्डर अनबॉक्सिंग। सो ये रहा मोबाइल होल्डर। बेसिकली ये जब बॉक्स में आया था तो ये एक दो और ये तीन पार्ट आए थे इसके। ये अभी उनने जोड़ के दिया और जो वापस निकलेगा नहीं यहाँ से, देखिए जो देख रहे हो यहाँ पर निकलेगा नहीं। तो ये था इसके बॉक्स के अंदर, ये रबर ग्रिप भी ऑलरेडी आ चुका है इसके अंदर पहले से, और ये एक सेटअप जो उसको मोबाइल को बचाने के लिए। और ये पड़ा है मुझे 180 रुपीज़ में। ये कोई ब्रांड ब्रांड वाला नहीं है, नॉर्मल है। तो इसके लिए इसको 180 में लिया है मैंने, और आराम से लग सकता है ये। आप भी ले सकते हो नॉर्मल स्टोर से, ऑटो पार्ट स्टोर से। और मैंने ये मोबाइल होल्डर लिया है वायरलेस, क्योंकि अपने पास ऑलरेडी चार्जर है इधर, सो हमको वायरलेस की ज़रूरत है। वायर करना पड़ता तो पूरा सेटअप करना पड़ता था, इसको खोल के इसके बैटरी के अंदर वो दो कनेक्शन लगाने पड़ते थे, बट अपने पास ऑलरेडी चार्जर है, सॉकेट है इधर यूएसबी का, सो इसके लिए हमने वायरलेस लिया है। अब अगर इधर क्वेश्चन आते हैं इसके सेटअप के बारे में, मोबाइल होल्डर के सेटअप के बारे में, सो क्वेश्चन आता है कि इसको कहाँ लगा, लेफ्ट या राइट में। सो बेसिकली मेरा चार्जर तो इस साइड है, लेफ्ट साइड, बट वो कोई फिकर नहीं, लंबा वायर रहेगा, सो लेफ्ट में लगाओ राइट में लगाओ दोनों जगह लग जाएगा। बट बेसिकली लेफ्ट में लगाएं क्योंकि मोस्टली राइट में अपना ब्रेक है और गियर अपना किसके लिए एक्सेलरेटर है, तो मोस्टली एक हाथ से चलाते हैं सब, उसी राइट हैंड से चलाते हैं, तो उसको लेफ्ट हैंड ही खड़ी रहेगा। तो लेफ्ट हैंड में अगर इधर लगाएंगे तो इजीली रहेगा, वरना फिर वही दोनों हाथ एक साथ इधर करने पड़ेंगे, तो इससे मुश्किल हो सकता है। तो मोस्टली लेफ्ट साइड में ही लगाते हैं। सो यहाँ पर ही सेटअप करेंगे हम हमारा मोबाइल होल्डर। सो ये है हमारा मोबाइल होल्डर, नॉर्मल मोबाइल होल्डर, कुछ फैंसी नहीं। सो आराम से लग सकता है, ये यूनिवर्सल है, कोई से बाइक में भी लग सकता है या स्कूटी में भी लग सकता है। इसका प्राइस मैं बता चुका हूँ, 180 रुपीज़। सो इसको अनबॉक्स किया तो तीन पार्ट आए थे इसके, ये वन, ये मेन हेक्सागन वाला टू, और ये एक रबर ग्रिप मोबाइल को बचाने के लिए। सो इसको सेटअप कैसे करते हैं हमारे अगले वीडियो में आएगा, सो आप इंजॉय कीजिए वीडियोस। अगला वीडियो अगर अपने इंजन के स्विच के बारे में नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए उसको, उसका सेटअप के बारे में, उसके कॉस्ट के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में एंड ऑल। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेटअप के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।